मैंने तो कभी तुम्हें नहीं छेड़ा बिलाल, तुम कह रहे हो मोबाइल को छेड़ती हूँ। ये छेड़ा छाड़ी वाले इल्जाम जो है ना, मुझे ना दिया करो बिलाल, शर्म किया। मेरा भी कुछ दिल भारी भारी तुम्हें पता है रात का हुआ हुआ है तो। और चांद जो है वो देखें बादलों में छुपा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ज़ुबैदा बिलाल और आप देख रहे हैं ज़ुबैदा बिलाल व्लॉग। उम्मीद है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली खैर आपको से होगी। और आज 18वां रोज़ा है, 18वें रोज़े के साथ साथ आज जुमा भी है, जुमा तक मुबारक भी है। और जनाब आज लगी हूँ मैं बनाने स्पेशल पराठे बनाने लगी हूँ, और स्पेशल शहरी में जो पराठे बनाऊँगी वो उम्मीद है आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, मेरी रेसिपी देखने के बाद, और मुझे कमेंट्स में आकर लाजमी बताएँगे। चले मैं तो पराठे बनाती हूँ, लेकिन पराठों के साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पराठे भी देखने हैं। पराठे देखने के साथ जल्दी से आज मेरे चैनल पे, और चैनल पे आके जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह आके जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और आखिर में अपनी बहन को अच्छा सा कमेंट्स करें। फिलहाल जो है उनको मैं उठा कर आ गई हूँ, मैंने कहा आप उठ जाएं, मुँह हाथ धो लें, तो मैं तब तक जो है ना अपना सहरी की तैयारी करती हूँ। भाई हम दो तो बंदे होते हैं, हमने कौन सा पूरे टब्बर की जो है ना वो सहरी बनानी होती है। बस दो बंदे होते हैं, मैं और बिलाल, हम दोनों ने रोज़ा रखना होता है। बच्चे तो आप लोगों को पता है अभी छोटे हैं, तो वो तो अभी रोज़ा नहीं रखते, इसलिए बहुत लंबा जो है ना हमें काम नहीं करना पड़ता है। बस दो या तीन पराठे बनाने पड़ते हैं, साथ लस्सी होती है, और उसके बाद जनाब बस और कुछ भी नहीं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने, अच्छा इसमें जो बैटर मैं बनाऊँगी ना वो सेम उसी तरीके से होगा जिस तरह मैंने सैंडविच बनाए थे ना सैंडविच मेकर में, वही चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। इसमें मैंने जो प्याज है एक अदद, ठीक है, ये छोटा सा ये ब्रीक ब्रीक मैंने कुतर लिया है। और ये चिकन जो था ये श्रेड किया था, बॉयल किया हुआ था, मतलब इसे मैंने दड़ा मिर्च, सूखा धनिया पीसा हुआ, ज़ीरा और नमक वगैरह डाल के ना इसको बॉईल करके जब पानी ड्राई हो गया था इसको मैंने मतलब रेशे कर लिए थे। और ये आलू जो थे रात में मैंने बॉईल करके इसका छिलका उतार लिया था, और इसको जनाब हम इसमें डालेंगे और इसको जल्दी से जो है हम मैश कर लेंगे। अब मैंने मैश कर लिए हैं, अब इसके अंदर ये जो चिकन है ये मैं ऐड कर दूंगी। अच्छा आलू के पराठे में ना चिकन जितना ज़्यादा हो उतना ही मज़े का लगता है, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑयल मैं ऐड करूंगी, तो दो लगा लें क्योंकि मेरा बैटर जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद जनाब इसमें मैं ज़ीरा जो है वो हाफ टी स्पून जो है ज़ीरा ऐड करूँगी, और फिर उसके बाद जनाब इसमें दड़ा मिर्च जो है वो मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून। उसके बाद जनाब इसमें सूखा धनिया जो है वो मैं 1 टीस्पून वो ऐड करूँगी, और नमक जो है हसबे जायका, इस तरीके से ये देखें मैं मिक्स कर लूँगी। और ये देखें ये इसका बैटर जो है ये तैयार हो चुका है। बिलाल अगर पसंद करें तो हाथ बांधे हुए हैं, जो आप लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो आती है तुम्हें लपे आती? आज मैं तुमसे लपे आती सुनूंगी, ठीक है, जो हम स्कूल में पढ़ा करते थे। नहीं मैं आज तुमसे सुनूंगी। आटा ला दो जल्दी से जो है मैं पराठे बना लूँ। तो अब बात सुनो बिलाल, आटा तो ले, मैं कह रही हूँ हम आज तीन पराठे बनाते हैं, दो दो नहीं बनाते। मेरा भी कुछ दिल भारी भारी तुम्हें पता है रात का हुआ हुआ है, तो डेढ़ डेढ़ पराठा खा लेंगे, तीन बना लेते हैं, साथ दही की लस्सी होगी, क्या कहते हो? अच्छा यहाँ पे बेलना और आटा जो है वो मैंने निकाल लिया है। अच्छा बिलाल ये ऐसा करो ना, ये बाहर रख दो क्योंकि अब पराठे बनाने हैं तो ग्रीस जो है वो जम जाएगी, ठीक है, इसको जल्दी से रखो बाहर। और यहाँ पे हम जनाब रखेंगे और फ्लेम जो है वो हम ऑन करेंगे, ठीक है, फ्लेम ऑन हो गई है और हम पेड़े बनाएंगे जल्दी से। और ये हम इसके छोटे छोटे जो पेड़े हैं वो हम ले लेंगे, स्पेशल पराठे हैं आलू और चिकन वाले, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं भाई। इस तरीके से हम पेड़े बना लेंगे इसके। बिलाल डिस्पेंसर ऑन कर देना था, पानी ठंडा हो गया, लस्सी का झूठ ना बोलो। अच्छा
अच्छा, यहाँ पे जो मैंने पराठे बनाने हैं उसकी जो रोटियाँ हैं छोटी छोटी, ये मैंने सारी बेल के, ये देखें इस तरीके से मैंने रख ली हैं। इससे ये होता है कि आसानी से जो पराठा है ना वो बन जाता है, जल्दी बन जाता है, और कोई वजह नहीं है कि बस एक एक पेड़े को पूरा बेलते रहें बस साथ साथ, लेकिन मैं इकट्ठा जो है ना वो बेल लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा जो है मैंने बिल्कुल ना होने के बराबर जो है अब मैं इसमें घी लगाऊँगी, और इसमें ये जो बैटर मैंने है, और ये देखें ना भी इस तरीके से मैं इसके अंदर लगाऊँगी। और बिलाल मुझसे कह रहे थे कि बैटर बहुत ज़्यादा बन गया है, तो पराठे तो सिर्फ 3 बनने थे, तो मैंने कहा तुम्हारी औलादें जो हैं वो सुबह स्कूल जाएंगी तो वो भी तो खाएंगी ना, उन्होंने भी तो खाने हैं। और हाथ बहुत लंबे हैं। क्यों बार बार मोबाइल को छेड़ती हूँ? मैंने तो नहीं छेड़ा बिलाल, मैंने तो कभी तुम्हें नहीं छेड़ा बिलाल, तुम कह रहे हो मोबाइल को छेड़ती हूँ। ये छेड़ा छाड़ी वाले इल्ज़ाम जो है ना मुझे ना दिया करो बिलाल, शर्म किया करो तुम। इस तरीके से जो है ना मैं ये रोटी जो बेली थी दूसरी, ये मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूँगी, देखिए इस तरीके से, और इसको इस तरीके से साइडों से जो है ये मैं प्रेस कर दूँगी इस तरीके से, ठीक है। ये प्रेस करने के बाद उसके बाद जनाब इसके ऊपर थोड़ा सा हम खुशका जो है वो डालेंगे, ताकि रोटी जब हम इसको ऐसे पलटें तो नीचे से चिपके ना, ये देखिए, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको हमने हल्के से हाथों से इसको बेल लेना है इस तरीके से, हम तवे के ऊपर ये देखें, ये हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने सारे पराठे जो है वो मैंने बेल लेने हैं, ये देखिए। अब इसको जनाब हम इधर घी लगाएंगे इस तरीके से, गरम गरम नरम नरम आलू वाला पराठा, क्रिस्पी क्रिस्पी यम यम यम, बड़ी ऐसे गति होती है। और ये देखिए जनाब, ये पराठा हमारा जनाब रेडी हो गया, ठीक है। अब दूसरा पराठा तो हम इसी तरीके से डालेंगे, ये देखिए, और यहाँ पे देखें मेरा ये दूसरा पराठा भी रेडी हो गया। एक पराठा मैंने बना लिया है और एक मैंने बेला हुआ है, और एक जो है ये तवे के ऊपर है, बस जल्द जल्दी से इसको बनाएंगे। और इसको जनाब ये अब ये रेडी हो गया दूसरा पराठा भी, और अब जनाब इसको मैं तवे के ऊपर डालूंगी। अच्छा भाई, ये पराठे जो हैं ये तो हमारे रेडी हो चुके हैं, और अब मैं लगी हूँ जनाब ये दही बिलाल निकाल लाए थे, और इसकी मैं बनाऊंगी लस्सी पराठों के साथ, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने जमाया है ना, इसलिए देखो ये घर का दही है, इसकी तो अपनी बात है। अच्छा दूध जो है फ्रिज से, वो दूध भी निकालो जल्दी से, बस मैंने और तुमने पीनी है ना, बस फिर उतनी ही मैं बनाऊं। और ये इसमें दूध डालेंगे, ठीक है। दूध डालने का मकसद ही होता है इससे ना टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है लस्सी में। ये अब हम नमक जो है हंसपे ज़रूरत हम इसमें डाल देंगे। अच्छा मैं चीनी ऐड नहीं करती, ब्लैक पानी कहाँ है, ठंडा पानी है, पानी देना जल्दी से। और पानी जो है वो इसमें हम ऐड करेंगे। और बिलाल से मैंने कहा आप लस्सी रिड़के मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, मेरी तो तबीयत ही ख़राब पहले ही होने लग गई है, सहरी खाने से पहले ही दिल बैठने लग गया है। बिलाल हाथों में जान नहीं है तुम्हारे। अच्छा जी, ये लस्सी जो है ये भी हमारी रेडी होगी, और पराठे अब इसको हम डाइनिंग पे लेके जाऊंगी मैं, और बिलाल ले आओ जल्दी से। और ये देखिए जनाब इसको हम यहाँ लेंगे। बिलाल लाउंज के दरवाजे यार खोल दो, तुम्हें गर्मी फील नहीं हो रही? मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, दिल को ना तलखी सी लग रही है, इसको खुल जाना यार अबे। और मैंने अपना पराठा जो है ना वो इस तरीके से मैंने कट कर लिया, कि मैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके उसके बाद
चहरी करके हम लोग ऊपर टेरेस में आ गए और बिलाल जो है वो चहलकदमी कर रहे हैं और वो चांद देखें बादलों में कभी छुप रहा है, आंख मचोली खेल रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना चांद, कितना प्यारा लग रहा है चांद। अच्छा, ये वाला जो पौधा है ना, ये यहीं पे इसके पत्ते निकलते हैं, यहीं पे ही बस इसकी इतनी ही ग्रोथ है, ये बड़ा नहीं हो रहा। तो मैंने बिलाल से कहा था इसका गमला जो है ना वो चेंज करें, तो बड़े गमले में अगर पौधा लगाएंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा। और ये पौधा जो है ना, इसके यार इतने इस बहार में इतने अच्छे पत्ते निकले, इतने खूबसूरत ये पत्ते लग रहे हैं। अच्छा, ये जो लीमू है ना, ये देसी लीमू है, इसके पत्ते अब निकलने शुरू हुए हैं, जबकि ये जो लीमू है ना इसके पत्ते सारे निकल चुके हैं। और ये एलोकेरिया का जो पौधा है ना, ये देखें, ये भी माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया, इतना प्यारा लगता है ना कि अब ये जो दीवार है इससे बाहर तक नज़र आता है। और ये छोटा सा एलोकेरिया का पौधा है, ये देखें, ये भी माशाल्लाह से बड़ा हो गया। ये पौधे आपके घर में लगे हो ना फ्रेश फ्रेश, तो इतना खूबसूरत आपकी वो जगह लगती है ना कि बस ना ही पूछें। चलें जी, सहरी ख़त्म होने में अभी तकरीबन 5-6 मिनट रहते हैं और मैं नीचे आ गई हूँ। बस अब ब्रश करूँगी, वज़ू करूँगी, उसके बाद सहरी ख़त्म हो जाएगी तो नमाज़ और कुरान वगैरह जो वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद मैंने सोना नहीं है 6:30 बजे, फिर मैंने बच्चों को उठाना है, उठा के रेडी करना है, उनका नाश्ता बनाना है। नाश्ता करने के बाद फिर जनाब उनकी जो है ना 7:40 पे जो है वैन आ जाती है फिर उनको स्कूल भेज के, तो 8 बजे जो है ना फिर मैं सो जाती हूँ लंबी तान के, और फिर मैं 11:30-11 बजे उठती हूँ। तो जी, आज का व्लॉग यहीं तक एंड करते हैं। उम्मीद है सहरी का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पराठे आपको मेरे अच्छे लगे होंगे, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।